जी करा दे तो गुगु दबा पे पिज्जा टिक्के वगैरह खाते हो। अबे तुम लोगों को भी मैं इतना सारा पिज्जा खिलाया है। जब मैं आ गया हूँ सलोन पे अपना मुंह मत्था सीधा करने के लिए, खाने का जो प्लान मेरा था वो अब क्या हो गया कैंसिल। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू रियल व्लॉग। और आज का ब्लॉग का इंट्रो जो है हमारे घर से हो रहा है, और आज बच्चों का फर्स्ट डे है स्कूल के लिए। स्कूल के लिए फर्स्ट डे है ना। हाजी साहब जो है ना ये भी उठ गए सुबह सुबह। अभी गाय सुबह के 6:05 हो गए हैं, ये आप मेरे पीछे गाड़ी को देख सकते हैं। और मेरा टिक्कू भी उठ गया है, फौरन रेडी होने वाला स्कूल के लिए। दिया रेडी हो चुकी है, दिया भी अपने शूज़ पहन रही है, और अभी हम इनको स्कूल छोड़ने जाएंगे। अभी हम वेट करते हैं, इनको पहले तैयार करते हैं स्कूल के लिए, और साथ में खुद भी चेंज करता हूँ। अभी नाइट सूट पहना हुआ है, इस नाइट सूट को मैं उतारता हूँ, टी शर्ट पहनता हूँ और बच्चों को स्कूल छोड़ता हूँ। पहले इनको मैं जल्दी फ़ौरन से तैयार कर दूँ। बच्चे हमारे रेडी हो गए हैं, आदि साहब शूज़ पहन लिए। अभी ना तुम्हारे नए सॉक्स की वजह से जो है तुम्हें टाइट लग रहे हैं। टिक्को हमारा दूध पी रहा है, दीदी अभी तैयार हो गया है। टिक्को जल्दी से नाश्ता ख़त्म करो, थोड़ा सा नाश्ता करो। 1 बजे छुट्टी होनी है इनकी, 1:30 बजे। बड़ा लंबा स्कूल है यार। चलो 3 महीने बहुत ऐश हो गई यार, जल्दी से जल्दी, टाइम नहीं है, लेट हो रहा। चलो ये है अपनी चाबी, चलो चलो। सभी बच्चों को मैं स्कूल छोड़ के आ गया हूँ, और अब आपका भाई फिर से ग्रिंग करके सोएगा। आज रहेगा घर पे, आज ऑफिस नहीं जाने का, आज सारा दिन घर पे। आज पहली ब्लॉग फैमिली ब्लॉग रहेगा, और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, अपने भाई को सपोर्ट करना है। और अब आपका भाई जा रहा है ग्रिंग होने भाई, और मिलते हैं लंबी ब्रेक के बाद। गाइस अभी मैं सो के उठ गया हूँ, आज मैं बड़ा लंबा सोया हूँ यार, बड़े अरसे बाद मैंने अपनी नींद पूरी की है, मेरा मुंह कितना सूज गया है। तो अभी बच्चों को मेरे लेने के लिए जाना है, 1:15 उनको स्कूल से छुट्टी होगी। बारिश बाहर धंस हुई है, आज वेदर भी कमाल है। कुछ देखते हैं, प्लान करते हैं कहीं पर खज्जल ख़राब होने का, नहीं तो भाई घर पर ही रहेंगे, कुछ अच्छा सा खाना वाना बनाएंगे फिर। तो अभी चलते हैं बच्चों को लेने के लिए, तो मैं जाके पहले बच्चों को लेकर आऊँ, फिर मैं आपके साथ चलता रहूँगा। मैं तो मज़ा आ गया आज मुझे यार, काफ़ी दिनों के बाद सोया हूँ। सुबह सुबह उठ जाता हूँ, ड्यूटी इधर ये वो इधर उधर बाहर। लास्ट संडे भी मैं उधर ऑफिस में था, काम कर रहा था। कल भी मैं ऑफिस में था, आज जाके बहने छुट्टी कर डाली है भाई। हमारे मतलब आपको मत सिखा। बच्चे हमारे घर पे आ चुके हैं, चेंज भी कर लिए हैं लोगों ने। तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा स्कूल का? सही था, बगल हम लंच पर फ्राइज लेके गए। चलो फ्राइज ले जाना, तुमने भी फ्राइज लेके जाने हैं। लो आते तुम फोन पे टिकू। हाँ, लेके जाने। नूडल्स का मजा नहीं ना आया था? नहीं यार, बहुत मसाला था। मामा ने जो है ना नूडल्स रख दिए थे, उसके ऊपर ना वो रखा ही नहीं था, मसाला डाले नहीं था, वो जब बिल्कुल सूख गया तब मुझे कह रहे मसाला डाल दो, तब मैंने मसाला डाला, पर टेस्ट ही ठीक हो गया। नहीं वो मसाला लाया नहीं था, एक जगह जम गया था मसाला। चलो खैर, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं मिलकर। चलो अच्छा था, क्या पराठे बन रहे। तो गाइस अभी हमारा ब्रेकफास्ट तो आ गया है, अब इस टाइम पे हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट में है हमारे दाल और 7 पराठे, और टिक्कू का मूड खराब हो रहा है, क्या चाहिए तेरे को? अंदर बिस्तर पे नहीं खा नाश्ता करते, बुरी बात है, बिस्तर पे ब्रेकफास्ट नहीं होता। तो टीवी बाद में देख लेना, आते ही टीवी बंद कर, बाहर आ जाओ ब्रेकफास्ट के लिए। 7 बैठ के खाना, नाश्ता डिनर शिनर जो भी, 7 बैठ के खाने से बरकत होती है, लाइट खराब हो जाएगी। खाना दिया इनको समझाया करो, हैं ओ भैया, उसको मैं फोन कर रहा हूँ। चलो यार नाश्ता करेंगे आराम से, क्या हो गया? अपना प्लेट लेकर आओ,
जब प्लेट भी लिया वो भी लिया ना यार, क्या चाय चाय लस्सी लस्सी के लिए पहले बताते मैं लस्सी बनवाया था। वो देखो वो लस्सी आई, इसको काट के इसकी लस्सी बना लो, इसकी इसकी लस्सी बनाओ। मजेदार मजे का लग रहा है नाश्ता है, दाल के साथ खाओ पियो। दाल में इतनी प्रोटीन होती है, इतनी प्रोटीन होती है कि मैं आपको क्या बताऊं। बेटे और मंगवा, जब लड़के हम लोग आपस में जब फ्रेंड्स होते हैं ना तो सब ऐसी चोरी चीजें ही मंगवाते हैं, चोरी चीजें मंगवाते हैं। जब आपके साथ हम बैठते हैं ना फिर हम दाल गजब बेइज्जती है। अबे तुम लोगों को भी मैं इतना सारा पिज्जा खिलाया है, दाल चुक रहे हैं। इतने दिन हो गए चल आज मैं तेरे लिए जबरदस्त तुम्हारे लिए चिकन कढ़ाई बनाता हूँ, ठीक है? चिकन कढ़ाई बना तो मैं आई ना लो। खानी है, खाओगी? नहीं। चिकन कढ़ाई बनाता हूँ मैं। मुझे पिज़्ज़ा खाना। तो हमारी बेगम का पट्टा निकल गया। तो भाई अगर ये पट्टा निकल जाए ना तो आप गर्दन तो क्या आप हिल भी नहीं सकते हो। हाँ जी पहली बात है पट्टा निकल ही नहीं सकते। तो खुद ही कह रही हो पट्टा निकल गया मेरा। जब अगर पट्टा चट्टा निकले ना तो फिर ऐसा नहीं होता, आ रही बात समझ में? जो तकलीफ में है ना उसको पता कैसे? तो तुम डॉक्टर के पास चलो, अभी तुम्हें मैं डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ, वहाँ पर मेडिसिन दो। पेन किलर वही है, दूसरे वही है पैनाडोल और पता नहीं क्या क्या। पैनाडोल होती है, कैप्सूल होती है, उसके अंदर है पता नहीं उसको। चलो बाजार से लेकर आता हूँ यार, वो मेडिकल भी चाहिए, इसका मेडिकल स्टोर से भी चाहिए भाई, लेकिन बड़े पैसे लगा रहा है मेडिकल स्टोर का। फैंसी पापा बड़ा अच्छा लग रहा है। भाई हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, ब्रेकफास्ट करते ही हमारे विक्की साहब हमारे घर पे आ चुके हैं। ये अभी शैली का सूट बनाएगा, ये मशीन भी आ गई है हमारे घर पे, भाई विक्की लेकर आ गया हुआ है। आज ये मशीन पे रंग बिरंगे जो है ना डिज़ाइन बनाने के ट्राई करेगा, ताकि आगे जाके जो है ना जितने भी काम कर रहा है इसको मुश्किल ना हो। ये हमारी पढ़ रही है और शैल हमारी कपड़े धोने शैल हमारी की हुई है। तुम क्या करने लगे हो? वो भी कचरा डालेगा इतना ज़्यादा। वाह क्या ठाट है। आपके भाई ने जो है ना इस टाइम पे बर्तन भी धो दिए, आज मेरी छुट्टी थी, मेरी बेगम ने मेरी बड़ी मिन्नत से मदद की कि आज थोड़ा सा घर का आप काम कर लें, बर्तन धो ले, फिर मुझे तरस आ गया और मैंने बर्तन धो दिया। सही बात कर रहा हूँ। होगी तुम्हारी होमवर्क कम्प्लीट हो गया? अब क्या करना है, सोना है? सर अच्छी बात है, फिर आप कुछ और कर दो ना, टेबल याद कर दो तो सर टेबल भी नहीं याद। नहीं मैं नहीं करना, मैं जल्दी भाई क्या कर रहे हैं, फंस गया फिर से, लूप बना रहे हैं, ये कराओ ये मतलब पंगा बनाने लगा। चलो देखते हैं आज तो क्या लूप बनाते हैं। टूट जाना था क्या? टूट जाएगा बेटा जी। चलो तो भाई आज विक्की साहब ना खुद कटिंग स्टिचिंग आज करके एक सैंपल बना के दिखाने एक्सपेरिमेंट कर रहा है। शैली के कपड़ों में, शैली के कपड़े हैं हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इसमें बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं तो सब पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। और इस बंदे को एक दुनिया का केड़ी नहीं नहीं उसका गाउन ही बनना है, वो जो प्रिंटेड लेकर आया हुआ है कमर सब कुछ तैयार हो।
चलो वो भी कर लेते हैं, निकाल के दो कहाँ रखा है, मुझे नहीं जाना कि ढूंढो। अभी विक्की भी चला गया हुआ है अपने घर और मैं अभी जा रहा हूँ बाजार, बाजार से जाके कुछ खाना पकाने के लिए लेकर आऊँ। आज घर पर हूँ, आज मैं खुद कुकिंग करूँगा और आज की कुकिंग आप लोगों को दिखाऊंगा भाई आज मैं क्या बनाने लगा हूँ। आज अच्छा सा चटपटा सा खाने को मूड आ रहा है, बाहर वेदर ऐसा ज़बरदस्त चल रहा है यार कि इस वेदर में ना चखारे ही खाए तो बड़ा ही मज़ा आता है। बेशक पता है कि बाद में बीमारियाँ लगनी है यार, लेकिन वक्त की नज़ातों को देख के चटपटा ही बना के खाओ, बाद एक ना एक दिन को जाना ही है तो क्यों ना चटखारा खाते जाएँ। तो अभी चलते हैं हम बाजार, तो बाजार से चिकन विकन लेकर आते हैं, कुछ फिट्टे किस्म का जो है ना कढ़ाई शढ़ाई बनाते हैं यार। अभी मैं आ गया हूँ सलोन पे अपना मुंह मत्था सीधा करने के लिए, खाने का जो प्लान मेरा था वो अब क्या हो गया कैंसिल। शैली कह रही है मैं खुद बनाऊंगी, तो लिहाजा मैंने बोला ठीक है आप खाना बनाओ, मेरे को जान छुटनी चाहिए। तो मैं अब आ गया हूँ भाई के पास अपना मुंह मत्था सही करने के लिए। भाई अपने भाई का ना ज़रा ना फिट किस्म की जो है ना शेप और कटिंग भी कर दे यार, बड़े गंदे बाल हुए, चार बालों पर ना सत्यानाश कर दे, कुछ बना दे अच्छा सा। मेरी ना दो चार मीटिंग्स आ रही हैं तो कर दे ठीक है। तो फाइनली गाइस बड़ी जबरदस्त खबर मैंने दे दी है, तो क्या बोल दिया भाई, भाई का देखो लुक जो चेंज वेंज हो गया है यहाँ तक। तो अभी जैसे हम घर और जाके वहाँ पर हमारे नजम भाई भी आज आए हैं, नजम भाई भी आज अपनी कटिंग करवाने के लिए आए हैं और मेरे जैसे कुछ करवा लें। नजम भाई वक्त बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे, दिल के जज्बात बदल जाएंगे यार। यार वो जच रहा है यार, दोबारा नंबर आज ये सही फिट कदम कटिंग ये तरह भाई चाह रहा था, ये डबल एक्शन कटिंग है, डबल एक्शन इसको किसी भी स्टाइल में कर लो है ना, सही लगे ना। क्या आप खा रही है, पांच चावल बना ली तुमने, बड़ी खुशबू आ रही है, बड़ी मेहनत की है, मैं कैसा बनाया, रोटी बन गई है, है? 10 मिनट में चलो ठीक है। सो गाइस अभी मैं घर पर आ गया हूँ, बड़ा फ्रेश फ्रूश हो जाऊँ, फ्रेश ओके, फिर मैं आपसे कर दिया। हमारा जो है ना खाने का प्लान शुरू हो गया, खाना हमारा आ चुका है, खाने में है चिकन और साथ हल्के ऑयल वाली रोटी, मज़ेदार। तो गाइस अभी हम खाना का टेस्ट करें, शैली ने कैसा बनाया, खुशबू उसकी तो आला ही आ रही थी यार, अगर खा के टेस्ट करते हैं कैसा है। अब आराम से बैठे अब रेस्ट कर ले, सुबह सुबह स्कूल के लिए उठना है, अब बहुत हो गया टाइम, 10:30 हो गए हैं ठीक है। टिक्को भी, और टिक्को देख कैसे सो गई है, टिक्को को भी मैं उठा के अभी लेकर आ रहा हूँ अंदर। तो गाइस अब मैं भी अपने ब्लॉग को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, आई होप मेरी आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और अपने भाई के डेली के ब्लॉग को एंजॉय करें। तो गाइस गुड नाइट, स्लीप टाइट एंड स्वीट ड्रीम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत सारा फिर से ख्याल रखना यार, बाय।